क्या आप मध्य एशिया में बसे इस बेहद खूबसूरत देश जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में से भी एक है कजाकिस्तान, वहाँ घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं या उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए। आज के वीडियो में हम कजाकिस्तान में जाने के लिए एक ट्रिप कैसे प्लान करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे यहाँ जाने के लिए आपको वीजा कैसे मिलेगा, वहाँ खाना कैसा होता है, भाषा कैसी होती है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है और वहाँ ड्रोन कैसे उड़ाते हैं। कजाकिस्तान सीरीज का ये पहला वीडियो है और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। That really helps. इसके पहले कि मैं आपको यहाँ पे ट्रैवल कैसे प्लान करते हैं वो बताऊँ, आपको इस देश के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। ये देश मुख्यतः सेंट्रल एशिया में है पर इसका कुछ हिस्सा ईस्टर्न यूरोप में भी आता है। कजाकिस्तान एक इस्लाम प्रधान देश है और यहाँ के इस्लाम को मैं काफी मॉडर्न इस्लाम या काफी लिबरल इस्लाम मानता हूँ। जितना टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया मुझे एक नया तरह का इस्लाम देखने को मिला जो शायद मैंने अपने देश में या मिडल ईस्ट में भी नहीं देखा था। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ न्यू थिंग टू लर्न इफ यू गो देयर। इस्लाम के अलावा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है और आपको कई बेहद खूबसूरत चर्चेस भी देखने को मिलेंगे। इतिहास हमें बताता है कि एक समय पे यहाँ बुद्धिज्म भी एक फ्लरिशिंग रिलीजन था और आज भी उसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ की राजधानी का नाम है अस्ताना जो काफी मॉडर्न शहर है। यहाँ दो भाषाओं का उपयोग होता है, कजाक और रशियन, और अगर आप इनमें से कोई भी एक भाषा जानते हैं तो यहाँ ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा। कजाकिस्तान और रशिया की काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जो कई जनरेशन पहले जाती है। रशियन इंपीरियल आर्मी ने सबसे पहले कजाकिस्तान पे कब्जा किया और इसीलिए यहाँ पे रशियन का भी धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जब सोवियत यूनियन बना तो उस यूनियन का भी हिस्सा था कजाकिस्तान और इसीलिए काफी सारा कल्चरल फ्लो होता था फ्रॉम रशिया टू कजाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ओरिजिनली कजाक कल्चर हमेशा से नोमैडिक कल्चर रहा था, तो यहाँ पे लोग घोड़ों में घूमते थे और उनका कुछ परमानेंट घर नहीं होता था बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन का। और जब रशियंस यहाँ पर आए तो उन लोगों ने सभी को परमानेंटली सेटल कर दिया शहरों में या गाँव में। इनफैक्ट आज ये हो गया है कि एक भी नोमैड बचा नहीं है कजाकिस्तान में। अगर आप नेबरिंग कंट्रीज में तो किर्गिस्तान में जहां मैं लास्ट ईयर गया था वहां पे अभी भी आप नोमैडिक पॉपुलेशन देख सकते हैं पर कजाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अर्ली 90s में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो कजाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बन गया और तभी से एक्चुअली एक रिवाइवल जैसा शुरू हो गया है यहाँ पे कजाक लैंग्वेज कजाक कल्चर को लेके। इसीलिए आजकल काफी एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि वो कल्चर रिवाइव हो सके और जो उनकी प्रेजेंट जनरेशन है वो अपने पास से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। मुझे यकीन है आपके पास और भी बहुत सारे सवाल होंगे इस देश के बारे में। अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए उनका आंसर लेके आऊं। या तो मुझे खुद पता होंगे या मैं अपने कजाक दोस्तों को पूछूंगा और आपको बताऊंगा। चलिए अब फाइनली बात करते हैं एक ट्रिप प्लान करने का कजाकिस्तान में। सबसे पहले बात करते हैं वीजा के बारे में, स्पेशली अगर आप हिंदुस्तान से जा रहे हैं और आप हिंदुस्तानी सिटीजन हैं। गुड न्यूज इज कि अगर आप 2 हफ्तों से कम के लिए जा रहे हैं तो आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट वीजा अराइवल भी नहीं है। आप वहाँ पे अपने पासपोर्ट, अपने रिटर्न फ्लाइट टिकट और अपनी होटल बुकिंग के साथ जा सकते हैं, उतना काफी है। इमिग्रेशन में आपसे कुछ खास सवाल नहीं पूछेंगे और आप फटाफट आगे निकल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे केस में तो लोगों ने मुझसे होटल बुकिंग या फ्लाइट टिकट्स भी नहीं मांगे और 2 मिनट में प्रोसेस हो गया। इट वॉज रियली फास्ट एंड रियली स्मूथ। फुल मार्क्स टू कजाकिस्तान फॉर मेकिंग ट्रैवल सो इजी विद दिस ओपन वीजा पॉलिसी फॉर अस इंडियन। हिंदुस्तान से कजाकिस्तान जाने का सबसे आसान तरीका है फ्लाई करना। अनलेस आप किसी और सेंट्रल एशियन कंट्री से वहां पे जा रहे हैं तब आप रोड से भी जा सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप इंडिया से फ्लाई करके जा रहे हैं तो दिल्ली से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स है। तो आप 2 एयरलाइंस है जो काफी रेगुलरली फ्लाई करती है, दोनों कजाकिस्तान एयरलाइंस है। उनमें से एक है फ्लाई अरिस्तान और दूसरी है एयर अस्ताना। फ्लाई अरिस्तान एक्चुअली एक लो कॉस्ट बजट एयरलाइन है तो अगर आप उससे फ्लाई करेंगे तो आप काफी कॉस्ट सेविंग भी कर पाएंगे। कजाकिस्तान में 3 ऐसे शहर है जहाँ पे फ्लाइट्स रेगुलरली जाती है इंडिया से, वो है शिमकेन, अल्माटी और अस्ताना। अगर आप एडवांस में फ्लाइट बुक करेंगे तो आपको काफी अच्छी डील्स भी मिल सकती है स्पेशली फ्लाई अरिस्तान में। अगर आप किसी नए देश में जाते हैं मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ पे लोकल सिम ले लें तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी। और वहाँ पे बहुत सारे एरियाज में लोग रहते हैं जो शहर है पर काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जो बिल्कुल खाली होता है। मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप किसी भी शहर या बिगर टाउन में रहते हैं तो वहाँ कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आपको 5G कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पर जैसे ही आप शहर छोड़ के बाहर निकलते हैं नेटवर्क गायब हो जाता है और आप बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू हैव अ लोकल सिम। वहाँ पे कई सारी लोकल कंपनीज है जो सिम्स प्रोवाइड करती है। मैंने एक बीलाइन करके कंपनी है उसका डेटा प्लान लिया था
हफ्तों के लिए और इट वॉज ब्रिलियंट, मतलब बहुत अच्छा प्लान था, काफी सस्ता अफोर्डेबल प्लान था, तो मैं उसको जियो प्लान से कंपेयर करूंगा इंडिया में, इट्स ऑलमोस्ट द सेम कॉस्ट। मैं शिमकेन में गया था, वहाँ एयरपोर्ट में कोई एक्चुअली सिम कार्ड नहीं मिल पाया था मुझे, तो मैंने शहर में जाके लिया था। पर अगर आप बड़े शहर में जाते हैं जैसे अलमाती या अस्ताना, तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही सिम ले सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। कजाकिस्तान की करेंसी का नाम है कजाकिस्तान टेंगे। अगर उसको रुपीज से कन्वर्ट करें तो एक रुपया करीब 5.5-6 टेंगे जितना होता है। मैंने एक्चुअली बहुत सारा लोकल कैश यूज़ नहीं किया मेरी ट्रिप पे, क्योंकि हर जगह क्रेडिट कार्ड चल जाता है, मैंने अपना कार्ड ही इस्तेमाल किया। पर मुझे कुछ लोकल कैश चाहिए था, क्योंकि मुझे थोड़ा क्राफ्ट्स वगैरह या लोकल मार्केट से शॉपिंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने वहाँ पे ATM से अपने डेबिट कार्ड से पैसा विड्रॉ किया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सचेंज रेट लगता है, बट क्योंकि मैं बहुत बड़ी अमाउंट नहीं निकल रहा था, इट वॉज क्वाइट ओके। तो यस, अगर आप गाँव की तरफ जाते हैं तो आपको ज़रूर कैश की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं तो आप हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह अपने कार्ड से पेमेंट्स कर सकते हैं। एक और सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं वो है कि राइट सीजन क्या है कजाकिस्तान जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से दो सीजन राइट सीजन है, एक तो है स्प्रिंग और दूसरा है ऑटम। इन दोनों टाइम्स पे काफी अच्छा वेदर रहता है और घूमने में काफी मजा भी आता है। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा एडवेंचरस हैं, आप विंटर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, आप स्कीइंग करते हैं, स्नो बोर्डिंग करते हैं, तो विंटर्स इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स। वो काफी पॉपुलर टाइम है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ये सब विंटर एडवेंचर्स काफी पॉपुलर है। आपको काफी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि विंटर्स काफी एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ठंड होती है यहाँ पे, बहुत बर्फ गिरती है। रेडी है अगर विंटर के एडवेंचर्स के लिए तो विंटर्स में भी प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं खाने के बारे में, जो कई लोगों का बड़ा कंसर्न होता है जब स्पेशली इंडिया से जाते हैं। मैं शाकाहारी हूँ और मैंने करीब 10 दिन स्पेंड किए कजाकिस्तान में, और मुझे कभी भी एक्चुअली दिक्कत नहीं हुई खाना खाने को लेके। ऑफकोर्स अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिलेंगे, आपको लोकल खाना खाने का मौका मिलेगा जो काफ़ी डिलीशियस दिखता है, बट मैं नहीं खा पाया बहुत बार। इनफैक्ट हॉर्स मीट भी ट्राई कर सकते हैं, जो वहाँ की डेलिकेसी है। को लोकल क्यूजीन में बहुत सारा वेजिटेरियन खाना भी मिलता है जो आप खा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी भी बड़े शहर में जैसे अलमाती में या अस्ताना में, वहाँ बहुत इंटरनेशनल क्यूजीन है। तो हमने तो मैक्सिकन खाना भी खाया, इटालियन खाना भी खाया, इंडियन खाना भी खाया, आपको वैरायटी ऑफ खाना मिल जाएगा इजली, डोंट वरी अबाउट दैट। फूड शुड नॉट बी अ कंसर्न। अगर आप अपने साथ थोड़े स्नैक्स लेके जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं अपने साथ बहुत सारे पीनट्स लेके गया था और वो मैं कॉन्स्टेंटली खाता था, बट फूड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। एक और बहुत कॉमन सवाल जो स्पेशली लोग मुझसे पूछते हैं वो है ड्रोन को उड़ाने के बारे में, क्योंकि मैं हर जगह ड्रोन उड़ाता हूँ जब मैं जाता हूँ किसी भी नए देश में। तो मैंने ऐसा ही किया कजाकिस्तान में भी, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे बहुत कम रेगुलेशन है ड्रोन उड़ाने के बारे में। जो कॉमन एहतियात है जो आप हर जगह बरतते हैं वो यहाँ पे भी बरतते हैं, जैसे कि लोगों के पास ना उड़ाएं, अगर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसके पास ना जाएं, शहर में मतलब बहुत लो हाइट पे ना उड़ाएं, बिकॉज यू नो दोज थिंग्स आर नॉट ओके। पर उसके अलावा ये कंट्री बहुत खूबसूरत है, यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप्स हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हॉर्सेज हैं, हर जगह आप इजिली शूट कर सकते हैं, ड्रोन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने मैविक 3 फ्लाई किया था वहाँ पे, जो थोड़ा बड़ा साइज का ड्रोन है, एंड इवन दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। सो या, गो अहेड एंड फ्लाई योर ड्रोन, जस्ट बी केयरफुल एंड बी सेफ एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। चलिए अब बात करते हैं कि कजाकिस्तान को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, इतना बड़ा देश है उसके अंदर कैसे घूमा जाए। तो मेरे पास दो सजेशंस हैं बेस्ड ऑन योर बजट एंड द वे यू आर ट्रैवलिंग। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, आप अकेले घूम रहे हैं या अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, तो आसान तरीका होगा, वहाँ पे आप Yandex करके एक ऐप है जो एक रशियन टैक्सी हेलिंग ऐप है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पे जाके, अगर आप लोकल नंबर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आराम से आप उससे लिंक कर सकते हैं उस नंबर के साथ, और आप उस टैक्सी से बहुत ईजिली घूम सकते हैं, वो काफ़ी अफोर्डेबल। उस टैक्सी से आप शहर के अंदर तो घूम ही सकते हैं, पर अगर आप शहर के बाहर आउटस्कर्ट में भी कहीं जाना चाहते हैं वन डे ट्रिप के लिए या इवन मल्टीपल डेज ट्रिप के लिए, आप बुक कर सकते हैं। यू कैन फाइंड अ टैक्सी देयर एंड रेंट अ टैक्सी देयर। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको पहले से थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिगर आउट करना पड़ेगा आप जाने वाले कहां पर है। एक चैलेंज जरूर हो सकता है, वो है लैंग्वेज का, क्योंकि जैसे ही आप शहरों को छोड़ते हैं अंग्रेजी बिल्कुल गायब हो जाती है, और अगर आपको रशियन या कजाक नहीं आती है तो आप ना लोकल से बात कर पाएंगे ना आप कुछ प्लानिंग कर पाएंगे। वो दिक्कत मुझे लगता है काफी बड़ी है अगर आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पर ऑफ कोर्स काफी मजे हैं खुद के एक्सप्लोरेशंस पे, तो आई वुड नॉट से कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एडवेंचरस माइंडेड हैं तो डेफिनेटली वैसे ही ट्रैवल कीजिए, दैट्स अ फर्स्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग। पर हमने ऐसे ट्रैवल नहीं किया था, वी एक्चुअली ट्रैवल्ड विद अ लोकल ट्रैवल एजेंसी, जिसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हम लोगों ने ज्यादातर ट्रिप्स उनके साथ ही प्लान किए थे, जैसे अगर हम अलमाटी में बेस्ड है तो हम डे ट्रिप्स कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, और ये एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उनके साथ एक ट्रैवल गाइड भी थी जो बहुत ही अमेजिंग थी एंड शी न्यू सो मच अबाउट द हिस्ट्री. उन्होंने हमारे इतने सारे सवालों का जवाब दिया. हमें काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मिला उनके साथ ट्रैवल करने का. अगर आप ज़्यादा डीप कल्चर में जाना चाहते हैं या आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक लोकल टूर एजेंसी के साथ ट्रैवल करना काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि आपको ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सकता है और थोड़ा कम एफर्ट भी करना पड़ेगा अपनी तरफ से उस ट्रिप को प्लान करने के लिए. मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, स्पेशली अगर आप कजाकिस्तान एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं. अगर आपके पास और भी कुछ सवाल है जिनका जवाब मैं नहीं दे पाया तो आप प्लीज उन्हें कमेंट्स में पूछिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोस फॉर यू. और तो क्या है, बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको यूट्यूब पे भी लाइक कर दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है देखिए आपके कॉमेंट्स को, तो कॉमेंट्स भी कर दीजिए. और अगर आप मेरी ट्रैवल जर्नी को दुनिया भर में फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट. कजाकिस्तान के पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यहाँ की ट्रिप की प्लानिंग के बारे में बताया. इसके दूसरे वीडियो में हम यहाँ की कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो आप अपनी आइटनरी में इंक्लूड कर सकते हैं. चलिए अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी. अभी के लिए अलविदा.